सतगुरु तेरा ही आसरा। इस वक्त मैं यहाँ मेरठ रोड गाजियाबाद तिराहे पर खड़ा हूँ। इस तिराहे से एक रास्ता मेरठ को जाता है, एक रास्ता गाजियाबाद को जाता है तथा एक रास्ता दिल्ली को जाता है। दिल्ली को उत्तराखंड से जोड़ने के लिए तथा यूपी को दिल्ली से जोड़ने के लिए यह एक मुख्य रास्ता है और इस तिराहे पर ट्रैफिक का अत्यधिक भार है। कांवड़ के दिनों में इस मुख्य मार्ग पर एक तरफ कांवड़िए चलते हैं तथा दूसरी तरफ आम ट्रैफिक चलता है, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स से मदद मांगी और शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जवानों ने प्रशासन की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहाँ मेरठ रोड तथा इससे आगे मोहन नगर पर अपनी ड्यूटियाँ लगाई हैं। शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जवानों ने यहाँ पर रोजाना 20-20 घंटे की सेवा की है। आम जनता के साथ साथ प्रशासन ने भी इन जवानों की भरपूर प्रशंसा की है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं राज मतौरिया, DSS वीडियो के लिए। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के ये जवान ट्रैफिक पुलिस से भी ज़्यादा तत्परता से ट्रैफिक की कमान संभाले हुए हैं। वेलफेयर फोर्स की बात ही निराली है और यही वो फोर्स है जिसने समाज को बदलने की ठानी है। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जवानों की बात ही निराली है। यही वे लोग हैं जिन्होंने समाज को सुधारने की ठानी है। कांवड़िए अपने इष्ट देव की एक से एक झांकियां निकालकर सड़क पर चल रहे थे। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की तारीफ करते हुए आने जाने वाले लोग आपस में कह रहे थे कि बाबा की फौज कमाल की है भाई, आज तो जरा सा भी जाम नहीं लगने दिया।
समाज के प्रति ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की यह एक अनोखी मिसाल है। सेवा का कोई मोल नहीं, यह वो जज्बा है जो दिल से व्यक्त किया जाता है। सतनाम जी, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जवानों ने यहाँ पर रोजाना 20-20 घंटे की सेवा की है। असल में सतनाम जी, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स की स्थापना ही समाज के भलाई के कार्यों के लिए हुई है, और यही वो फोर्स है जो किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा हो या खूनदान हो या मरणोपरांत शरीर दान हो, आँखें दान हो, इन सब में यह फोर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस फोर्स को चलता फिरता ब्लड पंप भी कहते हैं। ये भाई अतर सिंह जी है, इनका एक हाथ टूटा हुआ है, लेकिन इन्होंने इसकी परवाह न करते हुए समाज सेवा को जरूरी समझा। समाज के प्रति ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की यह एक अनोखी मिसाल है। सेवा का कोई मोल नहीं, यह वो जज्बा है जो दिल से व्यक्त किया जाता है। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादारों ने लगभग 2-3 दिन यहाँ मेरठ रोड और मोहन नगर चौक पर सेवा की है। अब ये लोग अगले दिन गाजियाबाद के अति प्राचीन मंदिर दुधेश्वर नाथ पर भी अपनी सेवा देंगे। यह गाजियाबाद का अति प्राचीन मंदिर दुधेश्वर नाथ है। यह जीटी रोड से विजयनगर की ओर जाते हुए गौशाला फाटक के पास स्थित है, और कांवड़ के दिनों में इसी मंदिर पर ही सबसे ज़्यादा कांवड़ियों की भीड़ रहती है। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, जहाँ पर कांवड़ियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, और इन लाइनों को व्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है।
धन धन सतगुरु तेरा आसरा। इस वक्त मैं यहाँ गाजियाबाद के अति प्राचीन मंदिर दुधवेश्वरनाथ पर खड़ा हूँ। जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और उनको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। उनकी इसी समस्या को, उनके सहयोग के लिए यहाँ पर गाजियाबाद में ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादार व्यवस्था में लगे हुए हैं और इनके प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन शिव भक्तों से पूछते हैं कि ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जवानों के बारे में इनकी क्या राय है। हाँ बोले बोलिए। नहीं, आप लोगों की व्यवस्था देख के हम लोग जन धन सतगुरु वालों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इनकी फोर्स की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम इनकी सबसे खुश हैं। और जैसे कि आपने सुना, यहाँ के लोग भी डेरे सच्चे सौदे के इन सेवादारों से काफ़ी खुश है, जो कि एक बेहद सराहनीय कदम है। और आगे भी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स ऐसे ही समाज के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है, यहाँ पर भी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि कांवड़ियों की लाइनें काफ़ी लंबी लगी हुई है। ये नज़ारा मंदिर के प्रांगण का है। ये कांवड़िये जो गंगा जल हरिद्वार से लेकर आए थे, वो यहाँ जो शिवलिंग बने हुए हैं मंदिर प्रांगण में, उन पर जलाभिषेक कर रहे हैं। और इस तरह से इनकी यात्रा का यहाँ समापन होता है। और ये वो प्रशस्ति पत्र है जो गाजियाबाद प्रशासन द्वारा, गाजियाबाद पुलिस द्वारा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादारों को दिया गया है, उनके सम्मान के लिए, उनकी इस सेवा के लिए। यह प्रशस्ति पत्र गाजियाबाद के SSP रघुवीर लाल ने दिया है और इनकी तह दिल से प्रशंसा की है। और ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के यह सेवादार आगे भी इसी तरह समाज की भलाई के कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ राज मतोरिया का आप सभी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।